गोइंग टू डिस्कस अप्रैल 2017 पेपर और इसके हमने 70 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए थे. सो आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 71. क्वेश्चन नंबर 71. अ पेशेंट कम्स इन लेबर वार्ड एट 34 वीक्स विद पीवी ब्लीडिंग फॉर द लास्ट 12 आवर्स. शी इज वाइटली स्टेबल. सो वट इज द मोस्ट लाइकली कॉज. पहले तो ये बताएं कि व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस इफ यू कम अक्रॉस अ पेशेंट हु इज हैविंग वेजाइनल ब्लीडिंग. एक प्रेग्नेंट खातून है जिसको वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो आपके माइंड में क्या क्या बात आ सकती है. इट कुड बी प्लेसेंटल एब्रप्शन, इट कुड बी प्लेसेंटा प्रीविया. ज्यादातर एक्रीटा के केसेस ब्लीड नहीं करते हैं क्योंकि एक्रीटा में प्लेसेंटा ने अपनी जड़ें बड़ी मजबूती से जमाई हुई होती हैं, एंडोमेट्रियल इन्वेजन हुई हुई होती है ना. सो एक्रीटा ज्यादातर ब्लीड नहीं करता है, अनलेस एंड अंटिल कि वो सेपरेट हो जाए फिर वो ब्लीड करना शुरू करेगा, वरना नहीं. प्रीविया के केसेस ब्लीड करते हैं, एब्रप्शन ब्लीड करती है. फिर कोई सर्वाइकल लोकल पैथोलॉजीज हो सकती हैं, कोई सर्वाइकल एक्ट्रोपियन हो सकता है, सर्वाइकल पॉलिप हो सकता है. और इसके अलावा ब्लीडिंग की क्या कॉजेज हो सकती हैं, वेजा प्रीविया, लेकिन उस सूरत में मेम्ब्रेन्स रप्चर होने का चांस होता है. अब देखना यह है कि पेशेंट आपकी वाइटली स्टेबल है या नहीं है. प्लेसेंटल एब्रप्शन के साथ पेशेंट वाइटली स्टेबल नहीं रहते, हीमोस्टेसिस खराब हो रहा होता है और साथ में पेशेंट को इंटेंस एब्डोमिनल पेन होता है. प्लेसेंटा प्रीविया पेनलेस ब्लीडिंग होती है, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद लोअर एब्डोमिनल पेन. और इसी तरह अगर कोई लोकल पैथोलॉजी यहां पे बनेगी, जैसे कि सर्वाइकल एक्ट्रोपियन हो गया, उसमें पेशेंट ज्यादा मैसिवली ब्लीड नहीं करता. और दूसरी बात कि पेशेंट वाइटली भी डिटेरियोरेट नहीं कर रहा होता. अब यहां इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि पेशेंट लेबर रूम में आई है और 34 वीक्स पे है और पीवी ब्लीडिंग पिछले 12 घंटे से हो रही है, लेकिन फिर भी वो वाइटली बिल्कुल स्टेबल है. 12 घंटे की ब्लीडिंग में प्रीविया हो गया या एब्रप्शन हो गया. अब या तो उन्होंने कोई क्वेश्चन में कहा होता कि पेशेंट को कोई पेन नहीं है, फिर तो ये प्लेसेंटा प्रीविया भी हो सकता था. लेकिन 12 घंटे की ब्लीडिंग इज क्वाइट अ गुड ब्लीडिंग, काफी ज्यादा देर की ये ब्लीडिंग है. प्रीविया और एब्रप्शन वगैरह बड़ा मैसिव ब्लीड कर रहे होते हैं, सो मोस्ट लाइकली दिस इज सर्वाइकल एक्ट्रोपियन. एक्ट्रोपियन का मतलब है कि सिंपली एक लेसरेशन बनी हुई है. सर्विक्स पे लेसरेशन हैं, आपको पता है बड़ा कॉमन होती है, नेबोथियन सिस्ट कॉमन होती है, सर्वाइकल एक्ट्रोपी कॉमन होती है, सर्विसाइटिस कॉमन होता है. सो दिस इज मोस्ट लाइकली सर्वाइकल एक्ट्रोपियन, क्योंकि 12 घंटे की ब्लीडिंग के बाद भी पेशेंट के वाइटल बिल्कुल स्टेबल हैं और उन्होंने हमें कोई ऐसी पेन की एसोसिएशन भी नहीं दी. अगर वो यही क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं और कहते हैं कि पेशेंट को ब्लीडिंग तो नहीं है लेकिन स्पॉटिंग है और उसको पेन भी नहीं है, पेनलेस स्पॉटिंग है, और उसका किसी स्कैन में कहीं प्लेसेंटा लो लाइंग था, या वो आपको ये कह सकते हैं कि ब्रीच प्रेजेंटेशन है. ज्यादातर आपको पता है प्रीविया के साथ मेल प्रेजेंटेशन एसोसिएटेड होती है और रिकरेंस भी होती है, पुरानी हिस्ट्री भी होती है, किसी न किसी स्कैन पे भी लो लाइंग प्लेसेंटा आया हुआ होता है. सो प्रीविया के लिए कुछ ना कुछ आपको हेल्पिंग प्वाइंट देंगे. सो दो तीन सिनेरियो समझ लें. अगर वो पेन के साथ दे देते हैं तो एब्रप्शन हो सकती है. अगर वो पेन नहीं एसोसिएट करते, वैसे आपको लो लाइंग प्लेसेंटा बता देते हैं, कुछ कुछ हिस्ट्री पुरानी दे देते हैं या मेल प्रेजेंटेशन बता देते हैं, तो फिर ये प्रीविया हो जाएगा मोस्ट लाइकली. और अगर वो आपको प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएशन नहीं देते और वैसे बता देते हैं आपको कि पेशेंट को कोई पोस्टकोइटल ब्लीडिंग है या पेशेंट को पिछले 12-14 घंटे से कॉन्टिन्यूअस ब्लीड हो रहा है, फिर दिस इज सर्वाइकल पॉलिप. पॉलिप जो होता है ना, वो कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग करता है. और दूसरी बात कि पॉलिप पोस्टकोइटल ब्लीडिंग भी करता है. सो दोनों तरह की कॉजेस को याद रखें, नॉन प्रेग्नेंट भी, प्रेग्नेंट भी. और अगर उन्होंने कहा कि मेम्ब्रेन्स रप्चर होने के साथ पेशेंट ब्लीड करना शुरू हुई है, देन दिस इज वेजा प्रीविया. सो ये मैंने ऑलमोस्ट ब्लीडिंग की सारी कॉजेस आपको बता दी हैं. क्वेश्चन नंबर 72. पेशेंट कम्स विद ऑन एंड ऑफ पीवी ब्लीडिंग फॉर 1 मंथ. ऑन अल्ट्रासाउंड प्लेसेंटा लोकेटेड इन अपर सेगमेंट. सो व्हाट इज द प्रोबेबल कॉज. अब देखें, एक महीने की ब्लीडिंग है पेशेंट को, सो दिस इज मोस्ट लाइकली सर्कमवेलेट प्लेसेंटा. क्वेश्चन नंबर 73. पेशेंट विद प्रीवियस टू सी सेक्शन डायग्नोस्ड विद प्लेसेंटा प्रीविया. हेवीली ब्लीडिंग, नॉट रेस्पॉन्डिंग टू बी लेंच. नेक्स्ट स्टेप विल बी पीपीएच का प्रोटोकॉल याद रख लें. जब भी पीपीएच होगा स्टेप वाइज चलना है. जैसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट है, आपने मीजोप्रोस्टोल सिंटो वगैरह दिया, आपने मसाज किया यूट्रस का. अगला स्टेप है बेलून टेम्पोनाड. आपने बेलून टेम्पोनाड अप्लाई करना होता है. बेलून टेम्पोनाड के बाद अगला स्टेप आता है लेप्रोटमी विद बी लिंच. ब्रेस सूचर्स लगा देते हैं, ब्रेस सूचर्स कह दें,
कंप्रेशन सूचर्स कह दें, दो तीन नाम है इसके, बी लिंच कह दें। बी लिंच के बाद फिर अगला स्टेप आता है डी वैस्कुलराइजेशन। डी वैस्कुलराइजेशन में हम फिर वेसल्स को देखते हैं, जैसे हम पहले यूट्राइन आर्टरी को लाइगेट करते हैं, पहले एक तरफ की यूट्राइन आर्टरी यूनिलैटरल, फिर बायलैटरल, फाइनली ओवेरियन की तरफ जाते हैं, फिर उसके बाद इंटरनल आइलेट को देखते हैं, और अगर फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुकती तो फिर फाइनल स्टेप इज हिस्टरेक्टमी। कुछ केसेस में, बहुत कम केसेस में, कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रेटली हिस्टरेक्टमी की तरफ जाना मुनासिब होता है, जैसे ग्रैंड मल्टीपैरा, ग्रेविडा 8 है, ग्रेविडा 6 है, ग्रेविडा 7 है, ग्रेविडा 9 है, ग्रैंड मल्टीपैरा ब्लीड कर रही है, तो आपने फिर यूट्रस को बचा के क्या करना? फिर अगर आपसे कोई मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट पूछेगा तो हिस्टरेक्टमी ठीक है, अगर वो आपसे नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट पूछेंगे तब भी हिस्टरेक्टमी करनी है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट में मैसिवली ब्लीड करते हुए पेशेंट में ग्रैंड मल्टीपैरा में नेक्स्ट स्टेप क्या जरूरत पड़ी है यूट्राइन आर्टरी को लाइगेट करने की, उसकी तो फैमिली कंप्लीट है, उसे कोई नुकसान नहीं होगा, निकाल दें यूट्रस, उसको बचाएं, वो डीआईसी में चली जाएगी। आपको पता है ना, अगर आपने पीपीएच को ट्रीट ना किया तो पेशेंट थोड़ी ही देर में डीआईसी में चली जाएगी, हर जगह से उसको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट्स वाई दिस इज एन इमरजेंसी, दिस इज एन एक्यूट इमरजेंसी जिसमें आपको फौरन कुछ करना पड़ता है। इसी तरह आरएच नेगेटिव पेशेंट है जिसका ब्लड बड़ी मुश्किल से मिलता है, जिसका हीमोग्लोबिन कम है, जो एनीमिक है, उसमें भी हिस्टरेक्टमी करना वाइज है, आप जल्दी जल्दी सोर्स को रिमूव कर दें। अब यहां सवाल देखें, प्रीवियस टू सी सेक्शन है पेशेंट के और उसका प्लेसेंटा प्रीविया भी है, हमें नहीं पता कि वो इनक्रीटा है या नहीं है, मे बी के वो इनक्रीटा हो, ठीक है ना, क्योंकि प्रीवियस टू में तो आपको पता है बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं प्रीविया के नाम पे एक्रीटा इनक्रीटा निकल आए। उसके बाद पेशेंट हेवीली ब्लीड कर रही है एंड इट इज नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग टू बी लिंच, अब क्या करें? डायरेक्टली गो फॉर हिस्टरेक्टमी। क्वेश्चन नंबर 74, पेशेंट डिलीवर्ड वाया एसवीडी एंड प्रेजेंटेड ऑन थर्ड पोस्टनेटल डे विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फीवर, कोर्स क्रेपिटेशंस ऑन चेस्ट ऑस्कल्टेशन, सो व्हाट इज दिस? द डायग्नोसिस हेयर इज ब्रोंको निमोनिया। याद रखें ये दो तीन डायग्नोसिस आगे पीछे आते हैं, एमआई पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, ब्रोंकोनिमोनियास, इस तरह की दो तीन चीजें इकट्ठी आती हैं, इनमें मैं आपको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका बता रही हूं। अगर तो पेशेंट फौरन कोलैप्स कर गई है, इमीडिएटली ब्रेडिकार्डिया हो गया है, स्वेटिंग है, फेंटिंग एपिसोड हो रही है, चेस्ट में उसका क्रूशिएटिंग स्क्वीजिंग पेन है, ऐसे जैसे कोई बाहर से कोई पत्थर रख दिया है किसी ने सीने के ऊपर, क्रशिंग किस्म का पेन उसको हो रहा है, या कोई उसको एपिगेस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो रहा है और साथ उसको स्वेटिंग है, दिस इज एमआई। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है कि पेशेंट को नॉर्मली फीवर होता है, एम्बुलस बनता है ना पल्मोनरी वैस्कुलेचर में, एम्बुलाई बन गए और उसके बाद वो वहां पे इन्फेक्शन कॉज करना शुरू करेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा, टेकिपनिया हो जाएगा, टेकिकार्डिया हो जाएगा, फिर इसके बाद साइनोसिस डेवलप होगा, हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा, ये दो तीन काम पल्मोनरी एम्बुलिज्म में होंगे, फाइनली अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो फिर ब्रेडिकार्डिया डेवलप होता है। सो पल्मोनरी एम्बुलिज्म में फीवर भी होगा, ल्यूकोसाइटोसिस भी होगा, टीएलसी काउंट भी ज्यादा होगा और एकदम से ब्रेडी डेवलप नहीं होगा, पहले टैकी में जाएगा पेशेंट फिर ब्रेडी में जाएगा। एमआई तो सडन एपिसोड है, एमआई में तो बिल्कुल हेल्दी इंडिविजुअल आपको पता है कोलैप्स कर जाता है, एमआई तो एक सडन अटैक है। इसी तरह एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की जब बात करेंगे, दिस इज एन एपिसोड विच इज गोइंग टू अकर ऑलवेज अराउंड डिलीवरी और अराउंड पोस्टपार्टम टाइम, डिलीवरी के दौरान, लेबर पेन्स के दौरान मेम्ब्रेन्स रप्चर हुई हैं, पेशेंट को एकदम चेस्ट पेन स्टार्ट हुआ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हुई और वो एकदम ही कोलैप्स कर गई, दिस इज एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के पेशेंट्स के पास ज्यादा टाइम नहीं होता, वो इवन डॉक्टर्स को भी ज्यादा टाइम नहीं देते कि डॉक्टर्स कुछ कर सकें, हम उसमें सिर्फ कंजर्वेटिवली पेशेंट को देखते हैं। दूसरी चीज, किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि पोस्टपार्टम पीरियड में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर फिर भी आपको एमनियोटिक फ्लूइड को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड में आपको फीवर नहीं मिलेगा, आपको टीएलसी काउंट ज्यादा नहीं मिलेगा, ये बस इतनी ही सडन एपिसोड होती है जैसे एमआई की होती है। नॉर्मली पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है ना, वो कोई ना कोई अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर चल रहा होता है, जैसे पेशेंट एस्थमेटिक थी, जैसे पेशेंट का कोई चेस्ट में ऑलरेडी कोई वीजिंग थी, लंग्स की कोई ऐसी इन्फेक्शन था जो पहले चल रहा था, या कोई उसने लॉन्ग ट्रेवल किया है जिसमें उसकी बहुत ज्यादा इमोबिलिटी की हिस्ट्री है। इस तरीके से आपने इन दोनों तीनों डायग्नोसिस को डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहां पे देखें, यहां पे उन्होंने खासतौर पे कोर्स क्रेपिटेशंस बता दी हैं और फीवर बता दिया है साथ में,
यहाँ पे जो सिनेरियो है ना इसका, दिस इज मोस्ट लाइकली ब्रोंको नमोनियास. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75. पेशेंट डिलीवर्ड एट होम फ्यू डेज बैक, प्रेजेंटेड विद फीवर, फाउल स्मेलिंग उसका डिस्चार्ज है, पेल्पिटेशंस है, उसको सुप्रापियोबिक पेन है, रेडिएट कर रहा है वो सडन चेस्ट पेन के साथ भी है. सो दिस इज प्यूपरल सेप्सिस. प्यूपरल सेप्सिस में ये सब चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं. पोस्टपार्टम इन्फेक्शन में आपने तीन बातें याद रखनी है, मेस्टाइटिस, एंडोमेट्राइटिस, यूटीआई. ये तीन इन्फेक्शंस डिलीवरी के बाद, सेक्शन के बाद बहुत कॉमन है. यानी आपके पास अगर एज अ कंसल्टेंट भी कोई पेशेंट आता है ना डिलीवरी के बाद अपना फॉलोअप विजिट लेके, तो आपने इन तीनों इन्फेक्शंस को रूल आउट करना है. आपने उससे पूछना है कोई गंदा सा डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, फाउल स्मेलिंग लोकिया तो नहीं है. सो अगर बहुत ही फाउल स्मेलिंग डर्टी लोकिया है, देन इट शोज एंडोमेट्राइटिस. दूसरा, उसमें पेन भी होगा, इंटेंस पेन होगा, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, टेंडरनेस होगी, फीवर होगा, ये सारी बातें एंडोमेट्राइटिस में होंगी. फिर मेस्टाइटिस के सवाल पूछें कि ब्रेस्ट में तो नहीं है क्योंकि कोई टेंडरनेस हो रही हो, कोई रेडनेस है, या फीट कराते हुए तकलीफ बहुत ज्यादा महसूस हो रही है. मेस्टाइटिस वाले पेशेंट्स को फीट कराते हुए इंटेंस पेन फील होता है क्योंकि रिटेंशन हो जाती है ना ब्रेस्ट फीडिंग में, फीट की रिटेंशन हो जाती है, मिल्क रिटेंशन की वजह से और ज्यादा वहां पे इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है. इसी तरह यूटीआई के साइंस पूछें, बर्निंग मैच्यूरेशन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि सुई चुपता हुआ यूरिन आ रहा हो, या बहुत ज्यादा पीले रंग का यूरिन आ रहा हो, या बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई हो आपकी, आप बार बार यूरिन करने जा रही हैं. सो यूटीआई, एंडोमेट्राइटिस और मेस्टाइटिस, ये तीन इन्फेक्शन जरूर आपने देखने हैं. अब यहां तो मिली जुली सारों की पिक्चर आ रही है. सो दिस इज प्यूपरल सेप्सिस. क्वेश्चन नंबर 76 में, पेशेंट प्रेजेंटेड ऑन थर्ड पोस्टनेटल डे विद फीवर 101 डिग्री फारेनहाइट, शी वाज अदरवाइज फाइन, ऑन एग्जामिनेशन ब्रेस्ट नॉर्मल है, हेल्दी लोकिया है, सो व्हाट इज द कॉज. अभी मैंने आपको ये बताया. अब देखें, तीन चीजें मैंने बताई हैं, अब उन सबको रूल आउट कर लें. थर्ड पोस्टनेटल डे है पेशेंट का, फीवर है उसको, ओके, इसका मतलब तीनों इन्फेक्शन को अपने दिमाग में रखें, कुछ भी हो सकता है. शी वॉज अदरवाइज फाइन, और ब्रेस्ट भी उसका नॉर्मल है, यानी मेस्टाइटिस निकल गया हमारी लिस्ट में से, हेल्दी लोकिया है, एंडोमेट्राइटिस भी निकल गया हमारी लिस्ट में से. अब क्या रह गया पीछे? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. सो द आंसर हेयर इज यूटीआई. क्वेश्चन नंबर 77. 24 ईयर्स ओल्ड 18 वीक्स प्रेग्नेंट लेडी हैड 5 सेंटीमीटर कॉम्प्लेक्स एडिनेक्सल सिस्ट विद ऑन एंड ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन, सो हाउ विल यू मैनेज? कॉम्प्लेक्स सिस्ट अगर 5 सेंटीमीटर या लेस देन 5 सेंटीमीटर है तो आप क्या करेंगे? री स्कैन आफ्टर 4 वीक्स. सो द आंसर हेयर इज री स्कैन आफ्टर 4 वीक्स. अगर कॉम्प्लेक्स सिस्ट 5 सेंटीमीटर से बड़ी है, 6 है, 7 है, 8 है, आपने एमआरआई करना है या आपने मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के जरिए पेशेंट को कोई ना कोई इंटरवेंशन देनी है. क्वेश्चन नंबर 78. प्राइमी ग्रेविडा कंसीव्ड आफ्टर 10 इयर्स, रेगुलर उसके एंटीनेटल विजिट्स थे और अब उसने 3 केजी का मेल बेबी डिलीवर किया है, और पोस्टनेटली उसका क्रूशिएटिंग चेस्ट पेन डेवलप हो गया विथ सफोकेशन, स्वेटिंग, हाइपरवेंटिलेशन और ब्लड प्रेशर एकदम ड्रॉप कर गया. सो व्हाट इज दिस? दिस इज एमआई. क्वेश्चन नंबर 79. पेशेंट हैड थर्ड डिग्री पेरिनियल टियर इन लास्ट प्रेगनेंसी, शी प्रेजेंटेड फॉर एंटीनेटल चेकअप एट टर्म, व्हाट विल यू एडवाइज अबाउट मोड ऑफ डिलीवरी? अच्छा जी, पेरिनियल टियर्स के लिए दो तीन बातें याद रखें. अगर तो थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री पेरिनियल टियर अगर किसी का आ गया इस दफा की डिलीवरी के बाद, तो आपने उसको एक तो अभी आपने मैनेज करना है, एनल्जीजिक्स, एंटीबायोटिक्स हैं, लेक्सेटिव्स हैं, और आपने उसको कॉन्ट्रासेप्शन भी बतानी है कि भाई अभी थोड़ा सा गैप लो ताकि तुम्हारा जख्म भर जाए. अब होता क्या है, अक्सर औकात पेशेंट जब घर जाती है कुछ अरसे में उसका फिस्टुला डिवेलप हो जाता है, वो आती है फीकल इनकॉन्टिनेंस के साथ. फीकल इनकॉन्टिनेंस हो गया, फिस्टुला बन गया, यहां पे आपने सर्जन को इन्वॉल्व करना है. अब जनरल सर्जन आएंगे, वो जब इसको ट्रीट करेंगे तो वो क्या करेंगे कि एनल एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल्स के लेवल पे आके सर्जरी करेंगे. अब क्या होगा कि वो जो सर्जन फिस्टुला की रिपेयर करेंगे, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी रिपेयर. यानी आपने जो थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री गायनाकोलॉजिस्ट ने जो रिपेयर किया था उसके बाद फिस्टुला की रिपेयर हो गई, सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी रिपेयर. अब सेकेंडरी रिपेयर के केसेस में ज्यादा बेहतर है कि अगर पेशेंट अगली दफा कंसीव कर ले तो सी सेक्शन कर दें. लेकिन प्राइमरी रिपेयर, यानी अगर आपने सिर्फ एक दफा थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री पेरिनियल टियर रिपेयर किया था और अगली दफा पेशेंट प्रेग्नेंट होकर आ गई है, तो अब आप उसकी मैनोमेट्री करें, अब आप उसका एंडो एनल अल्ट्रासाउंड देखें. अगर ये दोनों चीजें ठीक हैं, एसवीडी कर दें. अगर ये दोनों चीजें खराब हैं, सी सेक्शन कर दें.
इसके अलावा दूसरी जो बात आती है वो ये कि आप पेशेंट के साथ डिस्कस करें, पूरे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करें। कुछ पेशेंट्स इतना डरे हुए होते हैं, वो इतना एप्रीहेंसिव होते हैं कि डॉक्टर साहिबा मेरी तो पिछली डिलीवरी के बाद मैं तो पूरा महीना अस्पताल में लटकी रही हूँ, पेरिनियल टेयर था और इतना मसला हुआ, तो प्लीज खुदा के लिए मुझे डिलीवर ना करें। सो आप ये सारे प्रोज एंड कॉन्स पेशेंट के साथ डिस्कस करें, फिर देखें कि क्या चीज बेहतर है उसके लिए। अब आ जाए इस सवाल की तरफ। अब इन्होंने क्या कहा, थर्ड डिग्री पेरिनियल टेयर लास्ट टाइम हुआ और अब पेशेंट एंटीनेटल विजिट पे आई है, फुल टर्म है, अब आप क्या एडवाइस करेंगे? Now the answer is option D. You will discuss with her about SVD and C-section. Question number 80. A patient presented with 10 weeks of amenorrhea. She had IUCD in situ. Pregnancy test was positive. Thread visible at internal os. So most appropriate action is remove IUCD immediately. अगर किसी patient का IUCD के साथ pregnancy ठहर जाती है और उसका first trimester चल रहा है, तो आपने ये देखना है कि थ्रेड विजिबल है या नहीं। अगर थ्रेड विजिबल है जस्ट पुल इट आउट, निकाल दें, और अगर थ्रेड विजिबल नहीं है तो कुछ नहीं करना, लेट इट ग्रो, ग्रो करने दें प्रेगनेंसी को और मॉनिटर करते रहें, कुछ नहीं करना। समटाइम्स खुद ही एक्सपेल हो जाती है आईयूसीडी, और समटाइम्स नहीं भी होती, आप बेबी की डिलीवरी के साथ निकाल दें उसे, इसमें ऐसी क्या बात है। लेकिन अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया है तो कोई मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं है, प्रेगनेंसी को ग्रो करने दें। क्वेश्चन नंबर 81, एचसीवी पॉजिटिव पेशेंट है, एंटीनेटल केयर के लिए आपके पास आई है, किस सिनेरियो में फीटल ट्रांसमिशन हाईएस्ट है? ऑलवेज रिमेम्बर, वेन एवर देर इज एसोसिएशन ऑफ एचआईवी अलॉन्ग विद एचसीवी, दिस इज द हाईएस्ट फीटल ट्रांसमिशन रेट पॉसिबिलिटी। यहां पे ऑप्शन सी है जिसमें एचआईवी नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 82, ट्रीटमेंट ऑफ फोर्थ डिग्री पेरिनियल टेयर। जी क्या करेंगे फोर्थ डिग्री पेरिनियल टेयर में? स्टिच विद ओवरलैपिंग टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 83, अ पेशेंट केम विद मलेस, आर्थ्रेल्जियास, मायल्जियास, एंटी रोर, एंटी एलए एंटीबॉडीज उसकी पॉजिटिव है, एएनए एंटीबॉडीज पॉजिटिव है, एंटी फॉस्फोलिपिड भी पॉजिटिव है, सो द डायग्नोसिस इज एसएलई। क्वेश्चन नंबर 84 में, पेशेंट प्रेजेंटेड विद सेकेंडरी एमेनोरिया आफ्टर ईएनसी, इवैक्यूएशन क्यूरेटाज हुआ था उसका, सो द डायग्नोसिस इज एशरमैन सिंड्रोम। ये दोनों डायग्नोसिस आपको पता होने चाहिए, शीहैन भी एशरमैन भी। शीहैन का ताल्लुक पीपीएच के साथ है कि अगर पिछली दफा किसी की बहुत पीपीएच की एपिसोड हुई थी तो हाइपरथैलेमस पिट्यूटरी एक्सेस इन्वॉल्व होगा और शीहैन सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा। एशरमैन का ताल्लुक है डीएनसी के साथ कि अगर आप किसी की डीएनसी करते हैं और पूरी की पूरी उसकी एंडोमीट्रियम उड़ा देते हैं तो वो तो बेचारी फिर एशरमैन के साथ आएगी। क्वेश्चन नंबर 85, पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ हैवी पीपीएच केम विद फेलियर ऑफ लैक्टेशन, so the diagnosis is pituitary necrosis. Question number 86, most common presentation of Sheehan syndrome is lactation failure. Question number 87, the most important indication to do metroplasty in double uterus, ye bhi maine sawal pehle karaya hua hai, option D, second trimester miscarriages. Question number 88, greatest risk of rupture is associated with vertical upper segment. वर्टिकल अपर सेगमेंट और वर्टिकल लोअर सेगमेंट, ये दोनों क्लासिकल इंसिजन कहलाते हैं, दोनों, ठीक है। ज्यादातर हम वर्टिकल लोअर सेगमेंट इंसिजन देते हैं, क्लासिकल इंसिजन जो होती है, लेकिन वर्टिकल अपर सेगमेंट भी इंसिजन होती है, उसे भी क्लासिकल इंसिजन कहते हैं। अब अपर सेगमेंट वाली इंसिजन के रप्चर चांसेस ज्यादा होते हैं, वरना क्लासिकल इंसिजन में 5-9% मैक्सिमम चांसेस होता है कि रप्चर रेट है, लेकिन अपर वाले सेगमेंट में रप्चर होने के ज्यादा चांसेस हैं। सो याद रखें, दिस इज वर्टिकल अपर सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 89, अ पेशेंट कम्स टू यू विद जेस्टेशनल एमेनोरिया ऑफ 8 weeks एंड शी इज श्योर अबाउट हर डेट्स, अल्ट्रासाउंड शोज इरेगुलर जेस्टेशनल सैक ऑफ 20 millimeter विद नो फीटल पोल, नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट। मैंने आपको नॉन वाइबल प्रेगनेंसी का अपना ऑडियो नोट भेजा था, उसे याद कर लें, जरूर आ जाता है नॉन वाइबल। अब करना क्या होता है, आपके पास एज अ कंसल्टेंट भी अगर इस तरह के पेशेंट्स आते हैं ना कि जिनकी प्रेगनेंसी ठीक से बनी नहीं है, फीटल पोल विजिबल नहीं है, तो एकदम नहीं आपने अपने औजार तेज कर लेने के, चलो जी आओ तुम्हारी डीएनसी करते हैं, नहीं, आपने उसको टाइम देना है, दो ओपिनियन लें, आप उसका स्कैन रिपीट करवाएं, आप उसके बीटा एचसीजी के लेवल देखें। सो अब आप क्या करेंगे, रिपीट स्कैन आफ्टर 7 days, ये ज्यादा जुडिशियस है, ये ज्यादा बेहतर है पेशेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 90, पेशेंट कम्स एट 5 weeks ऑफ जेस्टेशन विद लेफ्ट साइडेड एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, हर राइट सेल्फ इंजेक्टमी वॉज डन 2 years बैक ड्यू टू एक्टॉपिक, सो द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हर इज इंट्रामस्कुलर मीथोट्रेक्सेट।
व्हेनेवर यू गेट अ पेशेंट जिसकी ऑलरेडी एक साइड की सेल्फ इंजेक्टमी हुई भी है, कोशिश करें अगली दफा उसको IM मीथोट्रेक्सेट दे दें। ज्यादातर ये क्वेश्चन आते ही इसीलिए कि आपका आंसर IM मीथोट्रेक्सेट होता है। डिसीजन लेना आसान होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि या तो आप सेल्फ इंगोटमी कर सकते हैं, यानी कि आप क्या करते हैं सेल्फ इंगोटमी में, वी गिव एन इंसिजन, हम एक सैक के ऊपर इंसिजन देते हैं, इंसिजन देके सैक निकाल लेते हैं। उसके बाद अगर तो आपने छोटा इंसिजन दिया है, निक दिया है आपने 0.5 to 1 centimeter का, तो वी कैन कीप इट ओपन, सेकेंडरी इंटेंशन के जरिए हील हो जाता है, लेकिन अदरवाइज सूचर भी कर देते हैं, कुछ कंसल्टेंट्स उसको स्टिच कर देते हैं जो उन्होंने सैक निकाला था और सारा कुछ था, सो ये ट्यूबल रिपेयर हो जाता है। सेल्फ इंजेक्टमी का तो मतलब है कि आपने ट्यूब का पोर्शन ही रिमूव कर दिया। ओके, याद रखें कि मीथोट्रेक्सेट ना आप माइल्ड पेन में भी दे सकते हैं। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट के लिए पेशेंट को बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए और उसका बीटा HCG भी 1500 से कम होना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर आपको एज इट इज एग्जाम में आए तो उन्होंने पूछा है मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी एक दफा की तो ट्यूब उसकी बिचारी की चली गई, तो अब दोबारा तो ना आप उसकी उठा के सेल्फ इंजेक्टमी कर दें। और ऑप्शन ए में उन्होंने KCL कहा, KCL तो हिट्रोटॉपिक प्रेगनेंसी में दिया जाता है कि जहां पे एक नॉर्मली ग्रोइंग प्रेगनेंसी होती है यूट्रस में और एक एक्टोपिक बनी हुई होती है, सो वो भी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, लेप्रोटमी क्यों आपने करनी है, सेल्फ इंजेक्टमी वो भी जरूरत नहीं है, और लेप्रोस्कोपिक सेल्फ इंगोस्टमी करने की भी जरूरत नहीं है। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो यहां लग रहा है ना, दिस इज इंट्रामस्कुलर मीथोट्रेक्सेट। बेशक कि उन्होंने इनकम्प्लीट दिया है, पूरा सिनेरियो नहीं बताया, बीटा HCG के लेवल नहीं बताए, पेशेंट की स्टेबिलिटी नहीं बताई, तब भी IM मीथोट्रेक्सेट ज्यादा बेहतर है, बाकी सारी ऑप्शंस ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91, पेशेंट डिलीवर्ड वेजाइनली एट फुल टर्म, नाउ शी प्रेजेंटेड विद प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, हर लास्ट प्रेगनेंसी वॉज मोलर, सो वॉट इज द डायग्नोसिस, द आंसर इज कोरियोकार्सिनोमा। अब देखें यहां पे उन्होंने कितने रिस्क फैक्टर्स आपको बताए हैं, कि एक तो उन्होंने ये बात बताई कि पेशेंट वजाइनल डिलीवरी उसकी फुल टर्म हुई है, ठीक है। दूसरा वो कह रहे हैं प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, नॉर्मली RPOCs प्रोफ्यूजली ब्लीड नहीं करते, फॉरन बीटा HCG कराया करें, ये कोरियोकार्सिनोमा होता है, निकलता है अंदर से, ठीक है। और आपको पता है कि कोरियो में और इन्वेजिव मोल में क्या फर्क है, यही फर्क है, इन्वेजिव मोल कभी भी फुल टर्म डिलीवरी के बाद नहीं हो सकता, हाँ कोरियोकार्सिनोमा मोलर के बाद भी हो सकता है, मिसकैरेज के बाद भी हो सकता है, फुल टर्म डिलीवरी के बाद भी हो सकता है, लेकिन इन्वेसिव मोल सिर्फ मोलर प्रेगनेंसी के बाद हो सकता है, और वो भी जिस पेशेंट की पुरानी मोलर की हिस्ट्री भी थी, ये तो एक और रिस्क फैक्टर आ गया, सो दिस इज कोरियोकार्सिनोमा। क्वेश्चन नंबर 92, पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ मोलर प्रेगनेंसी, सक्शन इवैक्यूएशन डन, नाउ शी केम विद बीटा HCG लेवल्स 90,000, सो द नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट, मे बी के उन्होंने सिर्फ बीटा HCG दिया, मे बी के उन्होंने कोरियोकार्सिनोमा का सिनेरियो बना के दिया हो, सो अब क्या करना है, द आंसर इज सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी। ये भी आपने EBM में लास्ट चैप्टर है जिसमें उन्होंने जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज का चैप्टर दिया है, उसमें एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है इंडिकेशंस ऑफ कीमोथेरेपी, उसको तो रट लें, हर एग्जाम में आता है, कोई ना कोई एक इंडिकेशन वो देते हैं, कभी वो राइजिंग बीटा HCG दे देंगे, कभी वो प्लेट्यू दे देंगे, उन्होंने इंडिकेशन लिखा हुआ है कि अगर 3 हफ्ते गुजर गए हैं सक्शन क्यूर अटैच के और उसके बाद बीटा HCG 20,000 से ज्यादा है, तो फिर डायरेक्टली कीमोथेरेपी शुरू कर दें, जैसे यहां 90,000 का लेवल दिया हुआ है। सो इट्स नॉट रिजॉल्विंग प्रेगनेंसी, इट्स नॉट ओनली दैट यू गो फॉर फॉलो अप ऑफ दिस पेशेंट कि मे बी के अभी उसकी प्रेगनेंसी सेटल डाउन हो रही है, नो, दिस इज कोरियोकार्सिनोमा, उसको कीमोथेरेपी शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 93, पेशेंट केम विद मोलर प्रेगनेंसी, कंप्लीट मोल है, यूट्रस लार्जर देन डेट्स है और बायलैटरल थीकल यूटीन सिस्ट भी है, बीटा HCG भी 20,000 है, सो मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इज सक्शन क्यूरेटाज, ठीक है। कंप्लीट मोल में हम हमेशा सक्शन क्यूरेटाज करते हैं क्योंकि इसमें मेटर्नल टिश्यू नहीं होता, सिर्फ वेजिकल्स होते हैं। पार्शल मोल में चूंकि बेबी बना हुआ होता है ना, पार्शल मोल में एक एबनॉर्मल बेबी होता है और एक एबनॉर्मल प्लेसेंटा होता है, सो उसमें फिर थोड़ा सिनेरियोज डिफरेंट है, उसमें जरा डिपेंड करता है, कंप्लीट मोल का तो सीधा सीधा इलाज है। क्वेश्चन नंबर 94, 35 ईयर्स ओल्ड ग्रेविडा, 5 para 4+0 प्रेजेंटेड विद प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, शी डिलीवर्ड वजाइनली, फुल टर्म पे वो डिलीवर हुई है, बीटा HCG की वैल्यू भी उन्होंने दी हुई है, सो ऑल इन ऑल जब आप इसका स्कोर निकालेंगे तो ये 7 से ज्यादा स्कोर बनेगा, सो यू हैव टू गो फॉर EMA को, यानी इटोपोसाइड, मीथोट्रेक्सेट, एक्टिनोमाइसिन डी, साइक्लोफोस्फामाइड, विनक्रिस्टिन। ये मैंने क्यों अलग अलग बताया, क्योंकि इस दफा के एग्जाम में उन्होंने इसको एक्सपैंड करके दिया था, इस ऑप्शन को ऐसे नहीं दिया था, ये पूरी एक्सपेंडेड फॉर्म में आई थी ऑप्शन, इसको याद रखेंगे ये किसका एब्रीविएशन है।
जब भी आप अपना मोलर का स्कोर बनाएंगे ना, अगर तो स्कोर 6 से नीचे है तो आपने सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी दे देनी है, और अगर स्कोर 7 से ज्यादा है तो आपने मल्टी एजेंट कीमोथेरेपी देनी है. सो दिस वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 95, विमेन अंडरवेंट लेप्रोस्कोपिक सेल्फ इंजेक्टमी फॉर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट पे मिनिमल डेसिडुअल टिश्यू है. सो द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट इज प्रेगनेंसी टेस्ट आफ्टर 7 डेज. यानी आप सिंपली यूपीटी कर लें. कर तो हम बीटा एचसीजी भी सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव पूछा है ना उन्होंने. सो दिस इज ऑप्शन सी, यूपीटी आफ्टर 7 डेज. क्वेश्चन नंबर 96, पेशेंट हैड हिस्ट्री ऑफ वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इन प्रीवियस प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी एंड प्रोटीन सी डेफिशिएंसी केम एट बुकिंग, सो व्हाट विल यू गिव हर. ये जितने भी इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलियाज वाले केसेस होते हैं, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस डेफिशिएंसी, फैक्टर 5 लेडन होमोजेनस और एंटीथ्रोम्बिन 3 डेफिशिएंसी, ये सारे हाई रिस्क थ्रोम्बोफिलियाज कंसिडर होते हैं. इसमें हमने थेरेप्यूटिक डोज देनी होती है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन की. क्वेश्चन नंबर 97, अ पेशेंट हैड हिस्ट्री ऑफ वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म आफ्टर फीमर फ्रैक्चर इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट. शी इज अ डायग्नोस्ड केस ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3 डेफिशिएंसी. शी केम फॉर एंटीनेटल चेकअप, सो व्हाट शुड बी डन. अगेन एक और हाई रिस्क पेशेंट आ गया आपके पास, अब क्या करेंगे. जाहिर है लो मॉलिक्यूलर वेट थ्रू आउट प्रेगनेंसी देंगे और इवन 6 वीक्स पोस्टपार्टम भी देंगे. हाई रिस्क वालों को 6 वीक्स पोस्टपार्टम भी देते हैं. क्वेश्चन नंबर 98, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ एपीएलएस अकॉर्डिंग टू रीसेंट एडवांसेस. ऑप्शन ई इज राइट. एबनॉर्मल लैब टेस्ट 2 रीडिंग्स मोर देन 12 आवर्स अपार्ट. ये इसका अकॉर्डिंग टू द रीसेंट गाइडलाइंस क्राइटेरिया है. अदरवाइज तो ये भी बात ठीक है ना, 3 और मोर रिकरेंट मिसकैरेजेस बिफोर 10 वीक्स, ये भी बात ठीक है, ये इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन है. लेकिन लैब क्राइटेरिया मोस्टली उन्होंने रीसेंट एडवांसेस का पूछा हुआ है, सो दिस इज ऑप्शन ई. क्वेश्चन नंबर 99, अ प्राइमी ग्रेविडा कम्स एट 16 वीक्स ऑफ जेस्टेशन विद क्वाड्रुप्लेट्स आफ्टर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, सो व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट. जी, क्वाड्रुप्लेट प्रेगनेंसी में क्या करना होता है. काउंसलिंग करें पेशेंट की, उन्हें बताएं सारे प्रोज एंड कॉन्स के क्या हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 100, अ लेडी विद हिस्ट्री ऑफ डाउन सिंड्रोम इन प्रीवियस बेबी कम्स टू यू एट 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन विद ट्विन प्रेगनेंसी, सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट फॉर हर इज ऑप्शन बी, एमनियोसेंटेसिस ऑफ बोथ ट्विन्स. ट्विन प्रेगनेंसी में याद रखें देर इज ऑलवेज क्रॉस कंटेमिनेशन ऑफ सैंपल. सीवीएस करने की वजह से क्रॉस कंटेमिनेशन होती है और फॉल्स रिजल्ट आते हैं, इसलिए वी डू नॉट प्रेफर सीवीएस इन ट्विन प्रेगनेंसी. आम लोगों में तो हम प्रेफर कर सकते हैं ना, लेकिन इनमें नहीं करते. सो इनमें जब भी आपने इन्वेजिव टेस्टिंग करनी है, इन्वेजिव मीन्स के रिस्क फैक्टर वालों की हम इन्वेजिव टेस्टिंग करते हैं, जैसे वो लोग जिनकी प्रीवियस डाउन सिंड्रोम की हिस्ट्री थी, या वो लोग जिनका पिछला न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का बच्चा था, कोई स्पाइना बायफिडा का था, ये रिस्क फैक्टर वाले हैं ना. सो इन लोगों में इन्वेजिव टेस्ट करने पड़ते हैं. यानी आपने विजिलेंट होके देखना होता है कि इस प्रेगनेंसी में जो बच्चा मां के अंदर ग्रो हो रहा है उसे तो कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं है, ताकि आप अगर एबनॉर्मैलिटी पिक कर ले तो टर्मिनेट कर दें प्रेगनेंसी. सो यहां पे आंसर आएगा एमनियोसेंटेसिस जस्ट बिकॉज ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी. क्वेश्चन नंबर 102, अ पेशेंट कम्स एट 16 वीक्स ऑफ जेस्टेशन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डाउन सिंड्रोम, सो व्हाट विल यू डू. अब चूंकि वो 16 वीक्स पे आई है, गो फॉर एमनियोसेंटेसिस. 14 वीक्स के बाद तो एमनियोसेंटेसिस करेंगे ना. क्वेश्चन नंबर 103, 35 years old primary gravida is anxious because her sister had a Down syndrome baby. She wants to know her risk of Down syndrome. Age wise risk याद रखें, 45 years में 1:25 है, 40 years में 1:100 है, 35 years में 1:350 है. यानी 35 के आगे 0 लगा दें. ये तो चल रही थी कुछ आज तक ना, लेकिन अब थोड़ी सी जरा चेंज हो गई है. क्वेश्चन नंबर 104 में आरएच नेगेटिव वेमेन है और उसकी एमनियोसेंटेसिस हुई 16 वीक्स पे और उसके बाद उसको एनटीडी दिया गया. फिर जब दोबारा उसमें चेक किया गया तो आरएच एंटीबॉडी टीटर आ रहा था 1:64. सो इसका क्या मतलब है. इसका सिंपली ये मकसद है कि शी गॉट सेंसिटाइज्ड आफ्टर इम्यूनाइजेशन. जब आप एनटीडी का इंजेक्शन देते हैं तो उसमें भी तो एंटीबॉडीज है ना, तो वो जब अंदर जाती है ना तो वो फिर आरएच एंटीबॉडी टीटर को बढ़ा देती है. सो इसका यही मतलब होता है कि पेशेंट इम्यूनाइज हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 106, 18 ईयर्स ओल्ड गर्ल प्रेजेंटेड विद हैवी पीवी ब्लीडिंग सिंस मेनार्की एट द एज ऑफ 14 ईयर्स. शी इज अ डायग्नोस्ड केस ऑफ वॉन विलीब्रांड्स डिजीज. हीमोग्लोबिन उसका कम है, सो मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इज ओसीपीज. देखें कितने साल से ब्लीड कर रही है, 18 साल की बच्ची है और मेनार्की उसकी 14 साल की उम्र में हुई थी और पिछले 4 साल से वो ब्लीड कर रही है. ट्रांजामीन जैसी चीजें, एंटीफाइब्रिनोलिटिक जैसी चीजें एक्यूट ब्लीडिंग एपिसोड में देते हैं, यानी 3 महीने से कम या 3 महीने की ब्लीडिंग, इससे ज्यादा नहीं.
अब उन्होंने वैसे भी पूछा है मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी आप उसको ऑथेंटिक ट्रीटमेंट दें ताकि उसका प्रॉब्लम ठीक हो सके. सो द आंसर इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. क्वेश्चन नंबर 107, पेल्विक अल्ट्रासाउंड ऑफ अ यंग पेशेंट शोज 6 सेंटीमीटर सिंपल सिस्ट. उसकी एलएमपी 13 डेज बैक थी. सो द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज दिस इज फॉलिक्यूलर सिस्ट. ज्यादातर ये जो बन जाती है ना सिस्ट, ये फंक्शनल सिस्ट होती है. इनमें भी ना साइजेस याद रखें, फॉलिक्यूलर छोटी होती है, ज्यादा बड़ा साइज अटेन नहीं करती, 6 सेंटीमीटर तक जाती है मैक्सिमम 7. कॉर्पस ल्यूटियल भी इसी तरह 8 सेंटीमीटर तक चली जाती है. थीका ल्यूटीन सिस्ट जाती है 30 सेंटीमीटर तक, वो बहुत बड़ी हो जाती है और वो आपको पता है कंप्लीट मोल के साथ भी एसोसिएटेड है. क्वेश्चन नंबर 108, 28 इयर्स ओल्ड ओबीस लेडी विद इरेगुलर साइकिल हिर्सुटिज्म एंड इनफर्टिलिटी वांट्स टू कंसीव. सो द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हर इज मेटफॉर्मिन एंड क्लोमिफेन सिट्रेट. अच्छा ये पुराने सवाल है, आजकल ना पीसीओज की नई गाइडलाइंस फॉलो हो रही है. उसमें आपने क्या करना है कि पीसीओज में प्रेगनेंसी के लिए एक तो बीएमआई देखना है. अगर तो बीएमआई 30 से नीचे है और पेशेंट का वेट 80 किलोग्राम से नीचे है तो फिर तो आप क्लोमिफेन के 6 साइकिल दे सकते हैं. लेजरा भी दे सकते हैं, एरोमेटेज इनहिबिटर्स हैं, और 6 साइकिल्स के बाद अगर रिस्पांस नहीं आता तो आप मेटफॉर्मिन के कॉम्बिनेशन को भी दे सकते हैं और डायरेक्टली आईयूआई स्टिमुलेटेड आईयूआई की तरफ भी जा सकते हैं. दोनों बातें पॉसिबल है और इवन लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग भी कर सकते हैं. लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग तो खास तौर पे इसलिए भी अच्छी है क्योंकि वो क्लोमिफेन रेजिस्टेंट केसेस में भी आता. ये हो गया बीएमआई जिनका कम था. अब आपने देखना है जिनका बीएमआई ज्यादा है, 30 से ज्यादा बीएमआई वाले या वो लोग जिनका 80 किलोग्राम से ज्यादा वेट है, उनको आपने सिंपली काउंसल करना है फॉर वेट रिडक्शन. वो वेट रिडक्शन करेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे कि आपने क्या करना है. अब ये पुराने वक्तों के सवाल थे जिसमें सीपीएसपी को अच्छा लगता था कि आप कॉम्बिनेशन को क्लिक करें मेटफॉर्मिन और सीसी. अगर ओबीज आ जाता है ना तो फिर बेहतर है कि मेटफॉर्मिन के कॉम्बिनेशन को दे दें. अगर ओबीज ना मेंशन किया तो क्लोमिफेन अकेला देना है. क्वेश्चन नंबर 109, अ पेशेंट विद इनफर्टिलिटी, बायलैटरल ब्लॉक ट्यूब्स हैं, ओलिगोस्पर्मिया है, सो द बेस्ट ट्रीटमेंट इज आईवीएफ. अब देखें ये भी इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, हमें नहीं पता कितना ओलिगोस्पर्मिया है. मोस्ट लाइकली जिनकी बायलैटरल ब्लॉक ट्यूब्स होती है ना और थोड़ा बहुत कुछ ओलिगो चल रहा होता है उनमें हम आईवीएफ को अप्रोच करते हैं, और इक्सी उन लोगों में करते हैं जिनमें बिल्कुल ही एजोस्पर्मिया होता है या कोई टेरेटो जुओ एस्थीनो स्पर्मिया होता है, यानी कोई एबनॉर्मल स्पर्म्स हैं अगर तो तब भी हम इक्सी की तरफ जाते हैं, या अगर जीरो स्पर्म्स हैं तब भी हम इक्सी की तरफ जाते हैं. अदरवाइज नॉर्मल हद तक ओलिगो में और बायलैटरल ब्लॉक ट्यूब्स में आईवीएफ इज द राइट चॉइस. क्वेश्चन नंबर 110, 28 ईयर्स ओल्ड लेडी है, 81 केजी उसका वेट है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी के साथ आई है, डायग्नोस्ड केस है पीसीओएस का. जी अब क्या करेंगे, वेट रिडक्शन. क्वेश्चन नंबर 111, पेशेंट विद अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज आईवीएफ. यानी उसकी बाकी कोई कॉज नहीं निकली, उसकी ट्यूबें भी ठीक है, उसकी ओवरी भी ठीक है, हस्बैंड सीमेन एनालिसिस भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, सो दिस इज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी. उसमें फिर हम क्या करते हैं, आईवीएफ. क्वेश्चन नंबर 112, एडवांटेजेस ऑफ लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन डायथर्मी फॉर ओव्यूलेशन इंडक्शन. जी क्या एडवांटेजेस हैं? इट कॉजेज यूनिफॉलिक्यूलर ओव्यूलेशन. यूनिफॉलिक्यूलर यानी एक फॉलिकल ग्रो करता है. जब आप ओवेरियन डायथर्मी करते हैं ना तो बेसिकली क्या होता है, वो जो ब्लेब्स बने हुए होते हैं ना, वो जो पॉलिसिस्टिक ओवरीज होती हैं, उनको आप बेसिकली इलेक्ट्रोकोएगुलेशन के जरिए रप्चर कर देते हैं. तो होता क्या है, नेचुरल ओव्यूलेशन हो जाती है, एक अच्छा सा सेकेंडरी फॉलिकल ग्रो करेगा और ओवम रप्चर करेगा. क्वेश्चन नंबर 113, कंफर्मेशन ऑफ पोस्ट हिस्टेरोस्कोपिक स्टरलाइजेशन इज डन बाय, दिस इज हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राफी आफ्टर 3 मंथ्स. ठीक है, हम एचएसजी कराते हैं. क्वेश्चन नंबर 114, पेशेंट हैड लेप्रोस्कोपी फॉर वर्कअप ऑफ प्राइमरी इनफर्टिलिटी, शी प्रेजेंटेड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर 24 आवर्स विद शोल्डर टिप पेन, सो द कॉज ऑफ पेन इज रेफर्ड पेन. ये सिंपली रेफर्ड पेन होता है. क्वेश्चन नंबर 115, अ कपल विद मेल इनफर्टिलिटी कम्स विद रिपोर्ट ऑफ एजोस्पर्मिया, और आगे उन्होंने कहा है कि क्या करना चाहिए. देखें जब भी एजोस्पर्मिया आता है ना, जस्ट रेफर द पेशेंट टू यूरोलॉजिस्ट. सो द आंसर इज यूरोलॉजिस्ट रिव्यू. गायनेकोलॉजिस्ट क्या करती हैं, सिर्फ ट्रीटमेंट का ऑप्शन बताती हैं कि जी आपकी रिपोर्ट में एजोस्पर्मिया आया है, सो हमारी तरफ से जो ट्रीटमेंट होगा ना, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, यानी हम आपका इक्सी करेंगे. क्वेश्चन नंबर 116, अ नलीपेरस पेशेंट कम्स
12 hours after hysterosalpingography for workup of infertility with severe abdominal pain. So what is the most likely cause? The answer is extravasation of dye. जब आप इनको डाई इंजेक्ट करते हैं तो चूंकि डाई सर्विक्स से होता हुआ, यूट्रस से होता हुआ, फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ पेरिटोनियल कैविटी में जाता है, तो क्या होता है कि वो पेरिटोनियम को इरिटेट करता है, तो पेशेंट उसी दिन एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट की कंप्लेंट करती है. एंड द सेम थिंग गोज विद लेप्रोस्कोपी पेशेंट. जब आप लेप्रोस्कोपी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इन्फ्लेट करते हैं पेशेंट के एब्डोमिन के अंदर, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड की इंस्टिलेशन की वजह से पेशेंट सारा दिन एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट की कंप्लेंट करते हैं. दिस डजंट मीन कि उसको पेरिटोनाइटिस हो गया या आपने उसकी इंटेस्टाइनल परफोरेशन कर दी. देखें, पेरिटोनाइटिस का होना, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का होना, ये एक्यूट इमरजेंसीज हैं. इसमें पेशेंट आपको लेटा हुआ नहीं मिलेगा आराम से, वो बुरी तरह दर्द में लोटपोट हो रहा होगा, पेशेंट के वाइटल डिटेरियोरेट कर रहे होंगे, पेशेंट की फाइंडिंग्स कोरिलेट कर रही होंगी, और इनफैक्ट पेट पे तो हाथ भी नहीं रखा जाएगा, पेशेंट तो चीखे मारी की इतनी शदीद किस्म की टेंडरनेस होती है. थिंक ऑफ द कॉमन थिंग्स फर्स्ट, कि जो चीजें कॉमनली होती है ना उनको सोचें. दिस इज नॉट द कॉमन केस रिलेटेड टू एचएसजी. कॉमनली यही होता है कि एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ डाई होता है और उसकी वजह से पेशेंट सारा दिन पेन की कंप्लेंट करता है, पेरिटोनियल इरिटेशन होती है. क्वेश्चन नंबर 117. अ कपल कम्स विद 6 इयर्स ऑफ सब फर्टिलिटी. फीमेल पार्टनर्स प्रोजेस्ट्रॉन एंड हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राफी वर नॉर्मल. हस्बैंड सीमेन एनालिसिस वॉज 5 विद 30% मोर्टिलिटी. सो द आंसर इज IVF. क्वेश्चन नंबर 118. अ कपल हैव बीन ट्राइंग टू अचीव स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी फॉर द लास्ट 3 इयर्स. फीमेल पार्टनर इज 37 ईयर्स ओल्ड. She complains of dysmenorrhea. Laparoscopy showed moderate endometriosis. So the treatment of choice is G. Moderate endometriosis में हमने क्या करना है? Laparoscopy with cauterization, electrocoagulation, यानी option D इसमें ज्यादा बेहतर है. Option C में उन्होंने laparotomy लिखा हुआ है, अभी तो नहीं laparotomy की जरूरत है. Question number 119. A patient with primary infertility comes to you with complaint of dysmenorrhea and dyspareunia. 2 साल से उसका था, hysterosalpingography पे bicornuate uterus है जिसका एक horn poorly formed है और कोई mass भी है जो posteriorly attached है. So क्या करेंगे? The answer is surgical removal of horn. Question number 120. Patient presented with primary infertility and 2 submucosal fibroids. She is otherwise fit and well. So the best treatment for her is GnRH followed by hysteroscopic myomectomy. देखें, GnRH agonist बड़े अच्छे होते हैं, छोटे साइज के फाइब्रॉइड्स में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं. 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6, 7, मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर से नीचे नीचे GnRH दे सकते हैं. लेकिन सिर्फ इसका नुकसान ये होता है कि ये बोन मिनरल डेंसिटी का लॉस कराते हैं. सो यू ऑलवेज हैव टू गिव देम विद एड बैक थेरेपी. आप टिबोलोन साथ दे दें और 3 to 6 मंथ्स के लिए हम देते हैं, लेकिन ये बड़ा अच्छा फाइब्रॉइड के साइज को श्रिंक करता है. ना सिर्फ श्रिंक करता है, सर्जिकल प्लेन को भी ये बेहतर करता है. बड़े साइज के फाइब्रॉइड में GnRH नहीं देना, जैसे 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, इस तरह के फाइब्रॉइड्स में बेहतर है कि आप डायरेक्टली मायोमेक्टमी कर दें. इसी तरह यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर फाइब्रॉइड तक होती है. हिस्टेरोस्कोपिक रिमूवल मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर तक होता है, यानी वो फाइब्रॉइड जो सबम्यूकोजल होते हैं, जो जिनका आधा पोर्शन मायोमेट्रियम में होता है और आधा एंडोमेट्रियल कैविटी में लटक रहा होता है, उनके लिए आप हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी करते हैं, लेकिन उसमें मैक्सिमम साइज है 5 सेंटीमीटर.